Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Jai Ho Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
निरीक्षण समन्ता
कान लाग जुदि मात प्रमेयम त्वमाखरं वरमं त्वमस्य विश्वस्य वरं निवारणं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मलोकाः सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादि मध्यान्त अनन्त वीर्य मनन्त बाहु शशि सूर्य नेत्रं हर्षामि त्वां दीप्त उत शव त्वं स्वदेशावे स्वविदं अलङ्कं द्यावाग्विधेयो जिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैके न दिशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोऽभ्यन्तरेदं लोकत्रयं प्राज्ञधिकं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गाय सन्धि केचिन्मे प्राञ्जलयन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसम्भा स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभि कोशलाभि भोद्वादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां ईस्मिकास्यैव सर्वे सानेहि शीकेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता नितिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादि अर्थे अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य वरं विधानं भीता श्रीवेद्यं च परं च धाम त्वया कृतं ईश्वमनं करोप वायुर्यमो मे वरुणशशां प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्ते सुसहस्रते क्व पुनश्च भूयो विनमो नमस्ते नमः पुरस्तारकृष्टदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदये।
गीता जी का पाठ चौथा अध्याय श्लोक संख्या 11 से 20 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमार्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु ये मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिम् यजन्त इह देवता क्षेत्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यो मया श्रेष्ठं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां वेद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लम्बन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो हि जानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुणे पुरुकर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्
किं कर्म किम कर्मेति कवयो यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्य विबोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यपश्ये दकर्मणि सकर्मय स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मके यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् समाहोपण्डितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराशय कर्माण्यभिप्रवृत्तो हि नैव किञ्चित् करोति स त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराशय कर्माण्यभिप्रवृत्तो हि नैव किञ्चित् करोति स वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण एक हमने इतिहास की बात सुनी है, मुसलमान बादशाह ने कहा कि तुम मुसलमान बन जाओ,
तो क्षत्रिय ने कहा कि ऊंट मान नहीं बनेंगे, चाहे मर जाए मर नहीं बनेंगे। तो इतना कहना हमारा मान लो कि तुम मृदम शुमारी में लिख दो कि हम मुसलमान है इतना, और तुम्हारे है जैसे वो सब कुछ करो। ज्यादा कहा तो इतना कर रहा क्या बिगड़ता है, बिगड़ने की बात नहीं। तो उन्होंने अपना नाम मुसलमानों में लिखा दिया। जैसलमेर राज्य में सांखला है, कसावा है, भाटी है, ऐसे उन मुसलमानों की वही जाति है जो हिंदुओं की है। और ये हिंदू मुसलमानों की लड़ाई नहीं, उससे पहले हिंदू ही ब्याह कराते थे। उनका नाम तो वही मुसलमान, पर उन्होंने जाति नाम दूजा ब्याह व्यवहार सब हिंदुओं का, हिंदू ब्राह्मण ही जाकर के विवाह कराते थे, सब काम करते थे। अब ये कट्टर मुसलमान बन गए। मुसलमान जाकर तो मुसलमान हो, अब हिंदुओं के साथ में ब्राह्मणों के साथ कोई संबंध नहीं, बिल्कुल मुसलमान बन गए। मुसलमान थे नहीं, मुसलमान हो गए, कट्टर मुसलमान आज है और हिंदुओं का नाश करते हैं। ये एक इतिहास की बात है। ऐसे आप लोगों से एक बड़े प्रेम से करबद्ध प्रार्थना है, अब ध्यान देकर आप सुने। आज जितनी जमीन जायदाद है, मकान है, रुपये पैसे है, कुटुंब है, संबंधी है, शरीर है, ये सबका सब अपना नहीं था। ये बात सच्ची है झूठी, पहले ये बताओ, पहले नहीं था, और ये सदा हमारे साथ नहीं रहेगा, हमारा इस पर आधिपत्य नहीं रहेगा। ये सच्ची है झूठी है, ठीक है बात है, नहीं रहेगा। और अब वर्तमान में भी थोड़ी सी इसमें दृष्टि डालनी पड़ेगी, मन बुद्धि से विचार करना पड़ेगा कि जितने दिन ये हमारे साथ रहे हैं उतना इनके साथ रहना खत्म हो चुका है। मान 10-15-20-50 वर्ष हमारे को आए हैं, इतना दिन इनके साथ रहने का समय व्यतीत हो चुका है, तो हमारे से इतने ये हट चुके हैं, मृत्यु ही साफ हट जाएगा, क्यों वो संभव पड़े बिल्कुल हट जाएगा। तो दिन प्रतिदिन हमारे से शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, कुटुम्ब, रुपये पैसे, जमीन, ये सब अलग हो रहे हैं। ये बात सच्ची है झूठी बताओ, सच्ची है ना? और इनको अपने साथ में रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। और इस पर हमारा आधिपत्य चलता है क्या? नहीं चलता। ये हमारे साथ रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। हम इनके साथ रह सकते हैं क्या सदा? नहीं रह सकते। सच्ची बात है ना? ये सच्ची बात आप मान लो, चाहे समझ में मत आवे। जैसे तुम मुसलमानों में नाम लिखा दो, कोई बात नहीं, परवाह नहीं। ऐसे आप ये सच्ची बात है ऐसा मान लो, हमारे को हमारा दिखता दिखता रहो, पर सच्ची बात है कि हमारा नहीं है। और संदेह हो तो पूछ लो, अपना अगर दिखता हो, सच्ची बात हो तो पूछ लो, और संदेह नहीं है तो निस्संदेह बात लोग मान लो कि हमारे नहीं है। हमारे नहीं है इसके दो अर्थ होते हैं, ये हमारा स्वरूप नहीं है और हमारी ममता भी ये नहीं है। शरीर है ये हमारा स्वरूप नहीं है, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहं तक हमारा स्वरूप नहीं है, और इनका ममता जो कही जाए वो भी नहीं है, मेरा है ये भी नहीं है। क्योंकि मेरा हो तो मेरा रहे
और मेरे पने का आधिपत्य चले, मर्जी आवे जैसे उनको रखे, मर्जी आवे जैसे छोड़े, मर्जी आवे जैसे बना ले, मर्जी आवे जैसे मिटा दे, ये नहीं कर सकते। शरीर कोई थोड़ा काला है तो गोरा कर ले, ऐसी बात नहीं। तो ये बात भी सच्ची है कि इन पर हमारा आधिपत्य नहीं है, सच्ची है ना एकदम। और हमारी पहले नहीं पीछे नहीं अभी भी प्रतिक्षण दूर हो रहा है, प्रतिक्षण दूर हो रहा है, कोई क्षण भी साथ नहीं रह रहा है, एकदम सच्ची बात है। तो ये मेरी नहीं है, मेरा स्वरूप भी नहीं है और मेरा ममता है, मेरा पना भी नहीं है। ये मैं हूँ ये भी नहीं है, शरीर में हूँ, इंद्रिया में हूँ, मन बुद्धि में हूँ ये भी नहीं है, और इंद्रिया मन बुद्धि ये मेरे ये भी नहीं है। सच्ची बात है ना, मैं नहीं हूँ को दो बात, एक मेरा नहीं है एक मेरा स्वरूप नहीं है। तो स्वरूप न होने से मैंपन इसमें नहीं है, और इनके ऊपर आधिपत्य नहीं चलने से मेरापन पे नहीं है। तो निर्मम और निरंकार हम है, हमारा स्वरूप निर्मम और निरंकार है। अब इसमें शंका करो, कोई संदेह हो बोलो। सच्ची बात है ना, तो निर्मम और निरंकार हम है, हमारा स्वरूप निर्मम और निरंकार है, हमारा स्वरूप ममता अहंता वाला नहीं है। क्योंकि अहंता ममता बदलती है, स्वरूप बदलता नहीं है, स्वरूप है जो ही रहता है। जैसे संसार बदलता है, संसार में परमात्मा बदलते नहीं है, ऐसे शरीर हम रहते हैं तो शरीर बदलता है, हम बदलते नहीं है, स्वरूप वो कभी रहता है। सच्ची बात है, भाई हो बहन हो, छोटा हो बड़ा हो, बूढ़ा हो पढ़ा लिखा हो, अपट हो बीमार हो स्वस्थ हो, किसी अवस्था में रहे, इनके साथ हमारी एकता हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं है। सच्ची बात है ना, इस सच्ची बात को आप मान लो। बिल्कुल समझ में नहीं आवे, हर एक शोक भी होता है, राग द्वेष भी होता है, परंतु ये हमारे नहीं है और हम ये नहीं है, बात ये सच्ची है। राग द्वेष होता है तो मिट जाता है, रहता नहीं है। हर शोक हो जाता है तो मिटता है, रहता नहीं है। जो कुछ वृत्तियां होती आती और जाती रहती नहीं है, ठीक है ना। इसमें शंका हो तो पूछो। तो ये हमारे साथ नहीं रहती है, राग द्वेष हर एक शोक हो, इसमें संयोग वियोग का असर पड़े, वो असर हरदम रहता है क्या? तो हमारे वो भी नहीं है। आ जाता आगंतुक है, आती है कभी हवा चलती है, कभी वर्षा आती है, कभी घाम तपता है, कभी ठंडी आती है, कभी ओला गिरते है, सब कुछ हो जो हवा जोर से जाओ, वृक्ष गिर जाओ, ऐसी हवा आ जाओ, वो चले जाओ, ये रहता नहीं। न शीत रहता है, न घाम रहता है, न हवा रहती है, न वर्षा रहती है, न ओला गिरता है, रहता है, रहता नहीं, आता जाता है, मिटता रहता है। सच्ची है ना, बिल्कुल। तो ये मिटते रहते हैं, रहते नहीं है, ये बात सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है ना, एकदम सच्ची है ना, जच गई। तो ये सच्ची है, हमारे को भान हो चाहे न हो, ये हमारे समझ में आवे चाहे न आवे, ऐसी स्थिति हमारी हो चाहे न हो, बात ये सच्ची है। इतना मानने में क्या अर्थ है? हम मुसलमान है, बनाने में कहने में क्या है? जिक्र हज क्या हो गई, हो न होते हो गई, अरे बात होते हुए नहीं हो गया, हो ही नहीं सकता। आप मान लोगे ये सच्ची तो हो ही जाएगी, क्योंकि है ही हुई, अब है ही हुई, इसमें संदेह हो तो शंका कर लो। संदेह नहीं है तो बस अब निश्चिंत हो जाओ कि हम ये हमारा नहीं है, हम ये नहीं है, मैं और मेरापन में नहीं है। सच्ची बात ये है, इसमें जो शंका जो पूछो।
संदेह हो तो पूछ, अगर सत्य है तो चाहे आपके समझ में आवे चाहे न आवे, व्यवहार में आवे चाहे न आवे, ये बात न रहे चाहे न रहे परवाह नहीं, बात ही सच्ची है। बोलो क्या कठिन है बताओ। कितने जबरदस्त हो गया, बात झूठी है, झूठी कितनी जबरदस्त हो, बात झूठी झूठी, इसका प्रभाव हो गया, मन ये सच्ची है क्या, कितने प्रभाव हो गया। हम तो बात साफ कहते हैं, राग द्वेष हो गए, हर्ष शोक हो गए, दुख हो गया, सुख हो गया, परंतु ये ठहरेगा नहीं, कितना प्रभाव जोरदार हो ये ठहर सकते, सच्ची बात है। अरे आप मिटते हो नहीं, आप ठहर जाते हो, आप मिट जाते हो, राग द्वेष होने पर आप मिट जाते हो गया, ये मिटने पर आप मिट जाते हो गया, आप तो रहते हो और ये तो सामने आते हैं जाते हैं मिटते हैं। आज हम पाठ सुन रहे थे, पाठ में स्थान स्थिति मात्रा स्पर्शास्त्र कौन से शीतोष्ण सु दुख आगमा पाई नो अन्य स्थान स्थिति भारत, ये पाठ मैंने सुना, किया ना आपने पाठ, ये मैंने सुना, मैंने सुना तो मेरे मन में आई स्थान स्थिति क्या होता, इसको सह लो, शरण क्या होता है, सहने का मतलब है कि सहनी है, बात है तो नहीं, अब आ गई तो सह लो उसको, बस तो बात है नहीं ऐसी, ये तो सह लो भाई, शीत आ गया सह लो, घाम आ गया तो सह लो। मारवाड़ी ग्रामीण बात मैंने सुनी, ग्रामीण माइयों की सुनी, पता रोती है ना माइया, घर में कोई मर जाता है तो रोती है, वे भी रोती रोती जाती है, रोती है आपस में बात करती है, जिनमें बिल्कुल ग्रामीण भाषा में जानकर बोला रहो, मंत्र जानकर से बोलो, दुख होता है ये सच्ची बात है, पर चुप रह जाओ, जानकर बोला रह जाओ, जानकर बोला रह जाओ, अपने जान में चुप रो मत, समझी, अब शोक थोड़ा ही मिट गया, तो जानकर बोला रह जाओ। कि हमारा नहीं है, हमेशा नहीं है, जानकर बोला रह जाओ, शोक है जो है ही, तो हर शोक होता है, हमारे व्यवहार में ऐसा होता है, पर जानकर बोला रह जाओ, है नहीं, इतनी तो बात है, और उसे तो जानकर बोला रह जाओ, हमारा इनका संबंध नहीं, इतनी आप कृपा करो, शिक्षु का अर्थ ये हुआ कि ये आते जाते रहते हैं, आगमा पाए नो अनित्या, कई बार मैंने कहा है ये आवे तो आप मन से जप करो, आगमा पाए नो अनित्या, आगमा पाए नो अनित्या, आगमा पाए मन ही मन से, बिच्छू का डंक लग जाए और झाड़े तो वो झड़ जाता है, ऊपर झड़ जाता है, इस तरह से ये असर हो तो आगवा पारिनो नित्य, आगवा पारिनो नित्य सब कर, जहर झड़े जो झड़ जाएगा, ये होता है ऐसा करके देख लो, जब कभी आवे बेग काम का आ गया, क्रोध का आ गया, लोभ का आ गया, तरह तरह के बेग आ जाए तो वो बेग आते बोलो आगमा पाए नो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य, जर कट जाएगी उसी क्षण, आने जाने वाले अनित्य है, आगमा पाए नो अनित्य, आगमा पाए नो अनित्य, आगमा पाए नो मंत्र है ये, इस जर को दूर करने के लिए करके देख लो, फिर नहीं हो तुम्हारे कह देना कि हमने किया, इसका असर कुछ नहीं हुआ,
ऐसा कह सकते पूरा नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं हुआ नहीं कह सकते आप, करके देख लो। असत बात असत जाएगी, सत कैसे होगी? ना सुत विद्यते भाव, असत का भाव है ना विद्यते, असत का भाव नहीं होगा। ना भाव विद्यते सत, आप हो आपका भाव होगा नहीं। कितने ही काम करो लो भाजा जा, आपका अभाव कर देंगे, आपको नहीं रहने देंगे, कोई ताकत नहीं। अब इसमें संदेह हो पूछो, निसंदेह है तो आपके जचे न जचे, समझ में आवे न आवे, व्यवहार में आवे न आवे, हरदम याद रहे न रहे, कोई परवाह नहीं, बात ये सच्ची है। अरे कच्ची हो तो संदेह करो बच्चा, पूछो, और भाव ये सच्ची है, एकदम बात सच्ची है। इसमें क्या बाधा लगी? इतना मानने में क्या बाधा लगी? आज पाठ सुना तो मेरे मन में आई बात, आग वहां पर आई इतिहास दीक्षा भारत पाठ हो रहे, हमने पाठ सुना। तो सुन रहा था मैं भी, लंबी थोड़ी बात है ही नहीं। इसमें जो संदेह हो जो पूछो, बात संकोच मत करो, बिल भाई बहना पूछो, भाई पूछो, कोई पूछो पूछो। मरते समय ये भाव है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन में खाली भाव है, उसकी क्या गति होगी? क्या मानते हैं शरीर नहीं हूँ, मानते हैं शरीर नहीं हूँ, बस मरते समय ये भाव रहे, वहाँ बस उसकी गति क्या होगी? शरीर नतीजा होगा, देख लेना क्या होगा, धोखा नहीं होगा, ऐसा करने से धोखा नहीं होगा। धोखा होता है देखो पूछो कि हमारी ये हानि हो जाएगी, ये धोखा हो जाएगा, वो पूछो, धोखा नहीं होगा और कुछ मत हो, लाभ होगा होगा होगा, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी, केस भी तभी संदेह नहीं है। अरे न होगा तो मत मानना, हमने छूट दी है, मत मानना छोड़ देना भाई, हमारी मानो तो मानने में लाभ है, लाभ जरूर है, जरूर है, जरूर है, और नहीं हो तो नहीं सही, नहीं तो पहले है ही, है जगह से नीचा तो उतरोगे नहीं, इसमें तो हानि होगी नहीं, बोलो हानि है जगह बच्चों, किसको क्या होगा, कोई दुख हो जाए, कोई दर्द हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई हानि हो जाए, पूछ बताओ कि हानि हो जाएगी हमारी, और कल बता देना हानि हो जाए, आज दिखे तो दिन में कि हमारी ये हानि होगी, सर नुकसान हो गया, ये हम तो कहते नहीं होगा, हो जाए तो आप लाओ सामने, इतने बैठे हो लाओ कोई कि हमारी ये नुकसान होगा, नुकसान की बात है नहीं, नफा है। सेठ जी ने हिसाब में एक बोर्ड टांग दिया दुकान के ऊपर, बोर्ड कि हमारे को हिसाब पूछो और नहीं आएगा तो एक रुपया दूंगा, और मैं पूछूं बता दोगे तो एक रुपया दूंगा, लेने की बात नहीं, मेरे को हिसाब पूछे और नहीं आएगा तो एक रुपया दूंगा, और मैं पूछूं और हिसाब बता दूं एक रुपया दूंगा। शेर जी ने खुद ने कहा मेरे सामने, तो मैंने कहा आपको रुपया देना पड़ा क्या? कि एक दो रुपया लगा, मैंने पूछा उन्होंने बता दिया, इसमें लगा, बट पूछा नहीं आया इसमें बिल्कुल नहीं लगा कभी, तो हमारे इसमें नफा ही नफा है, नुकसान है ही नहीं, हमारे को पूछे तो रुपया देंगे, तुम्हारे पूछे तो रुपया देंगे, लेंगे नहीं, तो इसमें नफा नफा आपका नुकसान हमारा, जाओ कर दो सौदा, नुकसान हमारा नफा आपका, बोलो नुकसान कह देना वो मेरे को दे देना, कभी तुम्हारा नुकसान ये तुम्हारा, हमारे को नफा नफा आपका, बोलो कैसा बढ़िया सौदा है।
एक रुपया एक दो रुपया देना पड़ा। ये शाम शेर साफ कर मैंने खुद ने पूछा शेर जी से, ऐसे आप ने बोल टांग दिया दुकान पर, कोई हमारे को ऐसा पूछे और हम जवाब न दे सके तो एक रुपया देंगे, और हम पूछे बता देंगे तो एक रुपया देंगे। उम्र में एक दो रुपया देना पड़ा किस विषय में कि हमने पूछा तो उसने बता दिया, तो नफा ही नफा नुकसान है ही नहीं। नारायण 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 नारायण, ये बात कैसी बढ़िया बात है बताओ, एकदम निश्चिंत एकदम निर्भय एकदम सच्ची अकाट्य सिद्धांत की बात। राम गीता भवन स्वर्ग आश्रम में आषाढ़ कृष्ण दशमी बुधवार विक्रम संवत 2046 कृष्ण संवत 5215 दिनांक 28 जून 1989 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुप्ता जी महाराज द्वारा यह प्रवचन हुआ। राम।